नमस्कार, मैं हूँ सारिका। द सेकेंड वाइफ लजीज खाना पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मटन करी लेकर के आई हूँ, जो कि गांव से बना हुआ है और ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। गांव की खुशबू आती है इसमें। आप लोग भी एक बार कभी भी मौका मिले तो गांव में जा कर के और बना करके खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्योंकि गांव एक ऐसा जगह है जिससे हर इंसान जुड़े हुए हैं और गांव में सभी के साथ मिल करके बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे ख़ास बात तो ये होती है, गांव में आप बनाइए तो वहाँ की जो भी वातावरण है वो देखने को मिलता है। ये देखिए मटन है, 1 केजी मटन है, इसको सफाई हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हो रही है, बूंदे हैं कल पर। और गांव के चूल्हा है, जो कि बारिश हो रही थी तो छांव में रखा गया है। इसमें तेल हल्दी डाल करके मिलाया जा रहा है, ऐसे इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा जाएगा। देख सकते हैं गांव में बनाने का एक अलग ही आनंद आता है, उसमें आदमी एंजॉय भी बहुत करता है। और बारिश के मौसम में तो मत पूछिए क्या बात है। और ये ढक दिया जाएगा। और गांव में जो खरीदाता है मटन तो बहुत ही अच्छा देता है। ये जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल मिर्च, जावित्री, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन, देखिए टोकरी में यहाँ पर रखा जाता है। प्याज और छील रहे हैं, सफाई कर रहे हैं इसको, देख सकते हैं। ये जलावन है, इसको देखिए चूल्हे को जलाने की सबसे तारीफ की जाएगी। प्लास्टिक हम लोग फेंक देते हैं, प्लास्टिक से इसको जलाया जा रहा है ताकि जलावन में आग पकड़ ले। ये फेंक दिया जाएगा, ऐसे तो प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। लेकिन अभी बारिश के मौसम में कोई चारा नहीं है, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये आग भी पकड़ लिया। और इस पर पतीले को डाले, तेल सरसों तेल में बना रही हूँ। देखिए आग दिखलाई ना कैसे जल रहा है, बारिश के मौसम में भी फिर भी ये आग पकड़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। इसमें तेज़पत्ता, जीरा और लाल मिर्च डाल करके पका लेंगे। देखिए तेल उधर का ही नहीं सट रहा है, ये क्या बता रहे हैं। चूल्हे पर बनाने में थोड़ा सा मेहनत होता है, लेकिन चूल्हे की खुशबू स्वाद बहुत ही अलग होता है। कुछ खपड़ा लगा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो। और बनाने में आनंद भी आता है, तकलीफें तो होती है लेकिन आनंद आता है कभी कभी। ये प्याज फ्राई हो रही है, प्याज डाल दिया गया। प्याज आपको बता दूं कि ये लगभग 600 ग्राम, 1 केजी के लिए 600 ग्राम है। और इसको फ्राई किया जा रहा है, फ्राई तब तक किया जाएगा जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए, बिल्कुल सुनहरा, ताकि इसका ग्रेवी अच्छे तरीके से बने। और ये मटन तो बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। इसको ढक करके फ्राई कर रहे हैं और आग भी जल रहा है, चूल्हा देख सकते हैं आप। ये देखिए इस पे अब दही रख करके मिला रहे हैं, दही नहीं रखे थे। गांव है तो गांव में बहुत सारी कमी आ जाती है, तो दही को अब मिला करके इसको रख देंगे। फिर दही से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, ग्रेवी बढ़िया बनेगा। और इसको भी पलट पलट करके चलाते हुए इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, मसाला मैं सिलवटे पर पीसी हूँ, तो इसको डाल रहे हैं मसाले को। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, देखिए कैसे डाला जाता है। गांव में सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है, तो अंदाज से ही सब लोग डालते हैं। ये धनिया पाउडर डाला जा रहा है 2 चम्मच। ये नमक है
चमची पर स्वाद के अनुसार। आप मैं तो 1 किलो के लिए ये डाली हूँ, आप लोग अपना मटेरियल के हिसाब से जान लेंगे, जैसा स्वाद आप लोग खाना पसंद करते हैं उस तरीके से इसको पकाएंगे। अब इसमें लो मीडियम पर इसका फ्लेम रखेंगे, जलावन कम लगाएंगे। जलावन ज़्यादा लगा देंगे तो आग ज़्यादा जलेगा। देखिए अब इसमें मसाला फ्राई हो चुका है, तो मटन डाल करके फ्राई करेंगे। एक गांव का है तो सामने में दिया है, सब अपना लोग रहता है तो ये अच्छा दिया है, बहुत ही अच्छा मटन है। तो इसमें पानी भी काफ़ी छोड़ेगा, तो मुझे लगता है इसमें पानी डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं आप, नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ। देखिए, और चूल्हा अलग था, पानी में भीग जाता तो ऊपर डाला गया है, तो देख सकते हैं चूल्हा भी उखाड़ करके लाया गया है। अब बारिश के मौसम में खाने में आनंद आता है। अब इसको ढक ढक करके पकाएंगे और जब तक ये गले ना पूरा। मटन को गलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर नहीं गलेगा तो पेट में पकड़ लेता है और ये सुपाच्य नहीं होता, स्वादिष्ट भी नहीं होगा। तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा और चूल्हे पर एकदम धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। ये रेडी है, अब चलिए इसको सर्व करते हैं। लोगों को पात लगा करके खिलाना है, सबको गांव है तो गांव में पात लगा करके खिलाएंगे। देखिए इस तरीके से आप चावल से खाइए, रोटी से खाइए, आपको जिससे भी खाने की इच्छा हो उससे खाइए। इसका ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट है, देख सकते हैं आप लोग क्या अच्छा दिख रहा है। गांव में बनाने का आनंद ही कुछ अलग है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ऐसे ही मैं नए नए वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू।